दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में अपने बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने बहुत साल पहले YouTube में वीडियो को अपलोड किया था और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नियमित तौर पर YouTube में वीडियो अपलोड करूंगा और देखूंगा कि YouTube में नियमित तौर पर वीडियो अपलोड करने से कुछ होता भी है कि क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं SK आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस समय के बारे में जब इंडिया में 2G मात्र फोन चला करते थे और उस समय वो दौर था नोकिया और सैमसंग जैसे फोन का। लेकिन उस समय नोकिया और सैमसंग के फोन थे तो अच्छे थे, YouTube उनमें चलता था, शायद एक डेडिकेटेड ऐप भी किसी किसी फ़ोन में YouTube का उस समय हुआ करता था। लेकिन चाइनीज फ़ोन सभी के लोगों के पास में थे, वो टच स्क्रीन भी थे, बड़े भी होते थे और सस्ते भी होते थे। साथ में उस समय एंटरटेनमेंट के लिए आज की तरह YouTube नहीं था, लेकिन उस समय मेमोरी कार्ड में जो भी आप सॉन्ग पसंद करते हो, जो भी फिल्में पसंद करते हो, आपको उस समय मेमोरी कार्ड में अपलोड करके उसको देख सकते थे। उसी के क्रेज में लोगों ने सैमसंग को छोड़कर, नोकिया को छोड़कर चाइनीज़ फ़ोन को लेना शुरू किया। उसी दौर में मैंने भी 2010 या 9 के आसपास चाइनीज़ फ़ोन ले लिया, जो कि लगभग उस समय 4000 के आसपास था। तो मैंने बहुत यूज किया उस फ़ोन को, उसमें इंटरनेट का फीचर भी था, तो उस समय इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था। आज की तरह डाटा प्लान उस समय नहीं होते थे, लेकिन जो BSNL का था वह उस समय काफ़ी सस्ता था, और जो एयरटेल के थे, वोडाफोन, आइडिया, जो भी था उस समय नेटवर्क, वो थोड़ा महंगा था। तो मैंने उस समय BSNL की सिम ले ली और उसमें नेट को चलाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नेट का ABC भी पता नहीं था, इंटरनेट कैसे चलता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट बहुत स्लो चलता था। इस वजह से टेक्स्ट बहुत ज़्यादा दिखते थे, वीडियो और इमेजेस बहुत कम वेबसाइट में लगी होती थी। मैंने भी वीडियो को सर्च करने के दौर में YouTube का चैनल मिला, तो मैंने भी अपना अकाउंट बना दिया, Gmail अकाउंट खोलकर उसमें अपलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई दिया, तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड भी कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि YouTube के बारे में मुझे उतना पता नहीं था और मैंने सिम चेंज किया, उसके बाद Gmail का जो पासवर्ड था वो भी भूल गया, फ़ोन भी चेंज कर दिया। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, यह सोचकर कि कुछ सालों बाद इस वीडियो को देखूंगा, तो आजकल बात यह है कि वो वीडियो नहीं मिल रही है कहीं भी नहीं। उस समय वीडियो मैंने अपलोड तो कर दी जैसे तैसे करके, लेकिन उसमें Gmail का पासवर्ड याद रखना पड़ता है, Gmail को याद रखना पड़ता है, यह सब कुछ मैं भूल गया। काफ़ी साल बाद मैंने जब ट्राई किया उस Gmail को, ना मुझे Gmail का याद आया, Gmail किस अकाउंट में बनाया था मैंने, Gmail का नाम क्या था, Gmail का पासवर्ड क्या था। लेकिन मैंने 2013 के आसपास नया सैमसंग का फ़ोन लिया, उस समय 3G का दौर चल पड़ा था, तो मैंने भी एक नया अकाउंट Gmail खोल दिया और YouTube में मैंने अकाउंट बना लिया। लेकिन यह सोचता रहा कि मैं आज डालूंगा वीडियो, कल अपलोड करूंगा, परसों अपलोड करूंगा, अच्छी वीडियो नहीं है, क्या बनाऊंगा, सोचते सोचते 2013, 14, 15, 16, 17 सब निकल गए। 2018 के अंत में मैंने सोचा कि अब वीडियो डालना ही पड़ेगा। जैसा कि सभी यूट्यूबर बता रहे थे कि इसमें ऐसा होता है, वीडियो अपलोड करने से वैसा होता है, लेकिन खुद अपने आप में डीमोटिवेट होता रहा कि मैं कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा, ऐसा वैसा क्या क्या सोचते सोचते। लेकिन 2020 में मैंने 2-3 वीडियो बनाई, लेकिन उसमें भी मन भर गया। लेकिन मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि वीडियो अपलोड करते हैं और डेली अपलोड करेंगे, डेली नहीं तो फिर मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर अपलोड करूँगा।
दो चार साल बाद जो मेरा चैनल है आगे बढ़ता है, ग्रो करता है, उस समय मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे वो आकर देखेंगे कि फर्स्ट वीडियो कैसे बनाई थी एसके ने। इसी सोच के साथ मैंने यह वीडियो बनाई है कि फर्स्ट वीडियो कैसी अपलोड की जाती है, उस समय कैसे वीडियो अपलोड करता था, यह आपको उस समय दो चार साल बाद आपको पता चलेगा। हाँ, अभी हम नए हैं, हमें कुछ आता नहीं है उतना, वीडियो बनाए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए